नमस्ते फ्रेंड, मैं आरस जी। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को महिला आयोग के बारे में बताएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और इसमें कितने पहलुओं को ध्यान रखना है, लास्टली वीडियो करते समय जब ये वीडियो लास्ट होगा उसके बाद उसी आधार पे आपको एक लेख लिख के हमको दिखाना होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से अप्रोच पे आपको काम करना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग को आप कम से कम तीन नजरिए से इस पे वर्क होना चाहिए आपका। एक तो इसका सामान्य पहलू, दूसरा महिला आयोग का कार्य, और तीसरा उसका विश्लेषण। और विश्लेषण में क्या देखते हैं कि उसके सामने समस्या क्या है, उसका महत्व क्या है। विश्लेषण को हमने टू पार्ट्स में बांट दिया है, महत्व और समस्या। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य पहलू और कार्य पे बात करेंगे, उसके बाद उसके महत्व और समस्या पे बात करेंगे महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की। वैसे आपको पता ही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। और सामान्य पहलू हम क्या जानेंगे कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष के अलावे कौन इनकी नियुक्ति करता है, किन आधारों पर इसकी नियुक्ति की जाती है, नहीं कार्यकाल क्या है, इन सब पहलुओं को ध्यान में रखेंगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो सामान्य पहलू है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बोर्ड पे लिखा ही हुआ है कि सामान्य पहलू में यह एक विधि के निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया, लेकिन 31 जनवरी 1992 में लागू किया गया। मतलब फाइनली ये लागू हुआ 31 जनवरी 1992 को, लेकिन इसका जो गठन हुआ था वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ था, जो इंप्लीमेंट हो गया आपको 1992 के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिए कुछ भी देता है, ठीक है, कि कब लागू किया गया था, किस साल में, पीटी में आ जाता है क्वेश्चन। फिर सेकंड पॉइंट में हमने देखा है कि इसमें एक अध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक अध्यक्ष और पांच सदस्य अलग, एक अध्यक्ष अलग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पांचों सदस्यों में एक अध्यक्ष को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एक अध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा, महिला आयोग में जो उनके सदस्यों की नियुक्ति है मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही करता है लेकिन मंत्री परिषद के सलाह पर करता है, ठीक है, महिला आयोग सदस्यों की नियुक्ति। और कार्यकाल महिला आयोग के सदस्यों का 3 वर्ष है, 3 वर्ष, ये भी आपके पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, सामान्य जानकारी है, होनी चाहिए आप लोगों को, 3 वर्ष है। लेकिन इसमें पहले भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। कार्यकाल 3 वर्ष तो है, लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर 3 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, ठीक है, ये भी एक बात है। और एक बात और ध्यान रखिए, जो 5 सदस्यों की नियुक्ति होती है उसमें एक महिला अवश्य होनी चाहिए। 5 सदस्यों, एक अध्यक्ष के अलावा जिन 5 सदस्यों की नियुक्ति होती है उसमें से एक महिला का होना आवश्यक है, और उसमें भी वो महिला होनी चाहिए SC या ST वर्ग से, ठीक है, SC या ST से संबंधित महिला एक होगी महिला आयोग के अंदर, ठीक है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग का सामान्य पहलू है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कार्य है, क्या कार्य है, ठीक है, कार्य कह लीजिए, उनका उद्देश्य कह लीजिए। देखिए आखिर घरेलू, अभी लॉकडाउन के समय देख लो कि घरेलू क्या हिंसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका रिपोर्ट कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, अभी भी एक चुनौती के रूप में तो उन लोगों के सामने ये बात होगी। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति क्या है, कि राष्ट्रीय किस लिए है, कि जो महिलाओं की जो समस्या है उसको जनहित के रूप में मसले को कोर्ट में लेके जाना, उसका न्याय करवाना, समाधान करवाना, नहीं। तो कार्य है कि महिला आयोग के लिए संविधान तथा अन्य कानून, दिखाई दे ही रहा है आपको, महिला आयोग के लिए कार्य में बता रहा हूं कि महिला आयोग का कार्य क्या है, महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य कानूनों का परीक्षण करना और उसे लागू करने की सिफारिश करना।
तो महिलाओं के लिए जो भी संविधान में तथा अन्य कानूनों में उसके अधिकार की बात है उसका परीक्षण करना और उसे लागू करने की सिफारिश करना, ठीक है, जिससे कि महिलाओं के प्रति वो न्याय हो सके, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो दूर किया जा सके। नहीं, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश देना कि भाई उनको उनकी दशा सुधारने के लिए जो भी वर्तमान परिस्थिति और सिचुएशन के अनुसार जो भी चीज़ें बनती है उसको सिफारिश करना केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, ताकि उनके हालातों को सुधारा जा सके। देन तीसरा काम है कि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित मामलों का अन्वेषण करना। अब महिलाओं के विरुद्ध दहेज प्रथा है, बलात्कार है, कई मसले हैं, ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित मामलों का अन्वेषण करना और उचित कार्यवाही के लिए सरकार पर दबाव डालना। नहीं, अभी आप देख सकते हैं कि निर्भया वाले मामले में जिन चार लोगों को फांसी दी गई उसमें कितना महिला आयोग सक्रिय थे उसमें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसका कार्य में दिखा सकते हैं कि बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मामलों को पीआईएल के रूप में दायर करना। पीआईएल का मतलब यहाँ पर जनहित याचिका के रूप में दायर करना, ठीक है। बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्न माने कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे मान लीजिए तीन तलाक के संबंधी मसला था, ये था, या मंदिरों में कई जगहों पर जाने से महिलाओं को रोकना था, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, बहुसंख्यक आधार पर महिलाओं को ये प्रभावित करने वाली जो सामाजिक कृतियाँ थी उसके उसको भी एक जनहित के रूप में उसको दायर किया जाता है, महिलाओं के लिए न्याय की बात की जाती है। नहीं, और छोटी छोटी पहलुओं पर ध्यान रखिएगा। लास्ट में जब इस पर लेख लिखिएगा एक महिला आयोग पे आप लोग, मैं तो एक आपको एक ट्रैक दे रहा हूँ जिस ट्रैक पर आपको काम करना है, ठीक है, करना ही चाहिए। मैं तो मान लीजिए पॉइंट्स भी बता दूंगा, सब बता दूंगा, आपके पीटी में भी आ जाएगा, मेन भी अगर मान लीजिए महिला आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको लिखने का ये आधार सफिशियंट है, ठीक है। हाँ, कभी पूछ सकता है कि वर्तमान में उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, उनके काम करने के तरीके में कहाँ पर समस्या है, उसका महत्व क्या है, कितना प्रासंगिक है, नहीं है, इन सब बातें हो सकती हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुरूप। लेकिन बेसिक चीज़ तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं को सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार को सुझाव देना। तो महिलाओं को सभी क्षेत्र का मतलब क्या है, मान लीजिए केवल पंचायती व्यवस्था नहीं है, विधानसभा लोकसभा ही नहीं है, अन्य क्षेत्रों में भी है ना, सार्वजनिक जो भी कार्य करने वाले स्थल हैं हर जगहों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। महिलाओं का शोषण का एक कारण ये भी हो जाता है कि जहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है, ठीक है, वहाँ पर महिलाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। एक ये भी चीज़ निकल के सामने आई थी कि भाई महिलाओं की संख्या सार्वजनिक स्थलों पर कम होने की वजह से भी उनका शोषण हो जाता है, तो निश्चित रूप से इनका ये सुझाव सरकार को समय समय पर दिया जाना कि भाई इनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाया जाना चाहिए, और इसके लिए सरकार कदम उठाती ही है। नहीं, उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के सामान्य पहलू और कार्य के बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण में देखेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का महत्व क्या है, इनके सामने समस्या क्या है, चुनौती क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसको देखने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने सामान्य पहलू और कार्य पे बात किया था राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय आयोग का। अभी जो महिला राष्ट्रीय आयोग में जो विश्लेषण है और जिस विश्लेषण में हमें महत्व और समस्या को देखना है, ठीक है, महत्व और समस्या में पहले हम समस्या को देखते हैं, उसके बाद महत्व पे चर्चा करते हैं कि भाई महिला आयोग से संबंधित क्या समस्या हो सकती है उनके रिपोर्ट को लेके। तो देखते हैं कि इसका समस्या जो मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया है कि इस आयोग की स्थिति काफी कमजोर है। महिला आयोग की स्थिति काफी कमजोर है, ऐसा क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि इसकी रिपोर्ट को संसद में नहीं रखा जाता, इसलिए इसकी स्थिति कमजोर है क्योंकि इसके रिपोर्ट को संसद में नहीं रखा जाता, केवल मानव संसाधन मंत्रालय ही देखता है, मानव संसाधन मंत्रालय इसकी रिपोर्ट को देखता है, इसलिए इसकी स्थिति कमजोर है। अगर उसको संसदीय पटल पर रखा जाता तो उसकी स्थिति थोड़ी मजबूत होती। मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग को शॉर्ट में NCW लिखा है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि NCW के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए
विशेष प्रक्रिया नहीं है। मैंने कहा था कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, तो ऐसी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, जिसके कारण राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति ही इन पदों पर नियुक्त हो जाते हैं, जिससे निष्पक्षता प्रभावित होती है, ठीक है। चूंकि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति ही इन पदों पर नियुक्त हो जाते हैं, जिससे इसकी निष्पक्षता भी प्रभावित होती है, ठीक है। अपने मनोनुकूल लोग नियुक्ति कर देते होंगे। एक समस्या और भी है राष्ट्रीय महिला आयोग का, कि आयोग के पास न तो वित्तीय स्वायत्तता है और न ही इनमें अपने कर्मचारी हैं। इनमें कर्मचारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, ध्यान रखिएगा, इनमें कर्मचारी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, इनकी अपनी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, तीन पॉइंट्स हमने समस्या में दे रखा है, देखिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और महत्व, महत्व में देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। महिलाओं से संबंधित जो भी आज सुधार हो रहे हैं उसमें निश्चित रूप से महिला आयोग के दबाव को देखा जा सकता है। तो महत्व में देखेंगे कि NCW केवल महिला सशक्तिकरण पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है, कि चाहती है महिला आयोग चाहता है कि जो वुमेन इंपावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, जिससे महिलाओं के डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है उसको बढ़ाई जाए, इससे संबंधित इस पर केंद्रित होकर अपना काम करता है, जिसके कारण छोटी छोटी समस्याओं को रेखांकित किया और इसके सुझाव पर महिला थाना, महिला बैंक आदि की स्थापना की गई, अनेक कानून बनाए गए, जैसे घरेलू हिंसा निवारण कानून। तो ये कहीं ना कहीं महिला आयोग के अनुशंसा पे दबाव पर ही बनाया गया। महिला थाना होना, महिला बैंक होना निश्चित रूप से एक अच्छी चीज है, एक अच्छी पहल है। NCW के सुझाव पर ही, जो दूसरा महत्व वाली बात मैंने इंडिकेट किया है, कि NCW के सुझाव पर ही राष्ट्रीय ऋण कोष का गठन किया गया, राष्ट्रीय ऋण कोष। अब राष्ट्रीय ऋण कोष क्या है? तो राष्ट्रीय ऋण कोष का उद्देश्य है कि गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करना है, जेंडर बजटिंग की व्यवस्था लागू की गई है और स्वयं सहायता समूहों को अलग से सहायता दी जाती है। किसके तहत? राष्ट्रीय ऋण कोष के तहत, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये भी गरीब महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण एक सिफारिश है। अभी बोर्ड से आप चाहेंगे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपना पॉइंट्स को देख लीजिएगा। तीसरा जो महत्व की बात है वह है महिलाओं से संबंधित मामलों के समाधान के लिए, महिलाओं से संबंधित मामलों के समाधान के लिए देखिए क्या है, परिवार अदालत, लोक अदालत का गठन करता है और स्वयं भी महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिसे SC और HC लिखा हमने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में PIL दायर करता है। किस लिए करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में PIL दायर? तो महिला से संबंधित मामलों के समाधान के लिए, नहीं? तो निश्चित रूप से इन सब बिंदुओं पे आपका ध्यान होना चाहिए। बस मैं आपका ध्यान केंद्रित करवा रहा हूँ। निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपको महिला आयोग के प्रति काम करने का जो इंटरेस्ट है बढ़ेगा, और भी आप अपने तरीके से भी पॉइंट्स जुटाएंगे। स्टूडेंट्स का क्या काम है कि टीचर जो रास्ता बताता है, शिक्षक जो रास्ता बताता है ना, उस रास्ते को एक ट्रैक मानकर उस पर चलना सीखना चाहिए, उस पर दौड़ना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी बात हमने कहा और हमारी बात को सुन के ही आप 100% संतुष्ट हो जाए, ये भी सही चीज नहीं, ठीक है। हम लोग जो आपको आधार देते हैं, बेस देते हैं, उस पे आपको और उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, नहीं? तो निश्चित रूप से हमने आपको एक आधार दिया है, एक बेस हम दे रहे हैं। आप राष्ट्रीय महिला आयोग पर जब लिखिएगा तो इससे भी ज्यादा बेहतर लिखने का प्रयास कीजिए। हम तो आपको आइडिया तो दे दिया ना कि इस ट्रैक पे, इस ग्राफ पे आपको लिखना है। आप चाहेंगे नए एग्जाम्पल्स जोड़िएगा, वर्तमान में जो घट रही है घटनाएं हैं, कहीं कुछ आपको मिलता है वो जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, अपडेट करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं? और लास्ट जो महत्व की बात है विश्लेषण में, जो मैंने महत्व दिखा रहा है उसमें, मंत्रालय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को परामर्श देता है महिला आयोग, और दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं के संदर्भ में सरकार पर दबाव बनाता है, जैसे जननी सुरक्षा,
नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन आधारों पे आप लिखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और पॉइंट आउट कीजिए, ठीक है। और आप चाहेंगे तो महिला आयोग पे एक लेख लिख के, है ना, उसके कार्यों का, उसके उद्देश्यों का, उसके महत्व का, उसकी समस्याओं का, उसके वर्तमान में चल रही कार्य पद्धति का, उसकी हो रही आलोचनाओं का एक लेख लिख के हमें आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उस वहाँ भी आप जाकर सब्सक्राइब कर देते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा सब्सक्रिप्शन में, और वहाँ पे भी आप अपना आंसर राइटिंग करके भेज दीजिएगा, हम चेक करके वहाँ भी आपका रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वर्क किया जाए, नमस्ते।